वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वर्ल्ड बैंक की तकरीब से खिताब करते हुए महकमा सेहत की अबतर सूरतेहाल से पर्दा उठा दिया। उनका कहना था कि सिंध में सेहत के शोबे में सबसे बड़ा मसला डॉक्टरों का ना होना है। डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए खुसूसी अहकामात जारी किए हैं। सिंध में 9000 डॉक्टरों की कमी है। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत डॉक्टर्स का इंतखाब किया जाएगा। देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इन आवर हॉस्पिटल्स। वी हैड एडवर्टाइज्ड एंड दिस प्रोसेस वाज टेकिंग फॉरएवर। सो इन माय मीटिंग विद द हेल्थ डिपार्टमेंट आई अनाउंस्ड एंड स्टिल स्टैंड बाय दैट अनाउंसमेंट दैट दे हैड इंटरव्यूड about 9000 doctors and 6000 of 8500 doctors and 6000 of them cleared the written test and they went into the interview phase and they were interviewing what 25 or 30 doctors a day and it would have taken them years and it was taking them a very long time, the public service commission. So I'd announced there that whoever has cleared the written we'll employ them because we need doctors in hospitals. Wazir Allah Singh ka kehna tha ke सिंध हुकूमत तालीम के शोबे पर खसूसी तवज्जो दे रही है। तालीम में भी मजीद बेहतरी लाई जाएगी, जबकि रवां माली साल सिंध से 78 अरब रुपए टैक्स की वसूली का हदफ हासिल हो जाएगा। वी एलोकेट मोर देन 20% ऑलमोस्ट 25 बिटवीन 20 एंड 25% ऑफ अ बजट इज एलोकेटेड टुवर्ड्स एजुकेशन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू रियलाइज दैट देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द literacy rate in the province of Sindh in terms of out of school children. Murad Ali Shah ne ek sawal ke jawab mein kaha ki Sindh hukumat safai sutrai ka nizam behtar banane ke liye koshishein kar rahi hai. Cameraman Gulfam Sheikh ke sath KM Abbasi Metro.